गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक CW पेज नंबर 61। हमने कल पढ़ा था फल और सब्जियों के बारे में। फल और सब्जियों क्या होती है, खाने से क्या होता है, हमको पोषक तत्व और विटामिन मिलते हैं जिससे कि हम बीमार नहीं होते। हमें हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, हरी सब्जियों में बहुत गुण होते हैं और फलों का भी हमें सेवन करना चाहिए। फल सब्जियों को हमेशा धोकर काटना चाहिए और कभी भी खुले में फल सब्जियों को नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर मक्खी वगैरह भिनकती हैं जिससे कि बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जो फल सब्जी खाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है और बीमारियों को दूर भगाते हैं। अब आज हम इसके शब्द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं, तो सब अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 61। शब्द अर्थ, रसीले मतलब रस से भरे हुए। फल कैसे होते हैं, रसीले मतलब फलों के अंदर क्या भरा रहता है, रस। लाभदायक, लाभदायक मतलब फायदेमंद। विकास मतलब बढ़ना, अपने शरीर की वृद्धि करने को क्या बोलते हैं, विकास। पोषक मतलब शक्तिवर्धक, पोषक से मतलब शक्तिवर्धक। हैरान मतलब चकित। संतुलित मतलब नपातुला। चुस्ती फुर्ती मतलब ताजगी। और सेहत मतलब स्वास्थ्य। अब श्रुत लेख बिना देखे लिखने वाले, प्रैक्टिस करने वाले शब्द, रसीले, विटामिन, हैरान, पोषक, चुस्ती फुर्ती। अब ये मौखिक उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फल रसीले होते हैं या नहीं, फल रसीले होते हैं। फल कैसे लगते हैं, फल हमें अच्छे लगते हैं। सब्जी और फल खाने से क्या लाभ होता है, सब्जी और फल खाने से हम बीमार नहीं पड़ते और हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी दूर होती है। अब सही उत्तर पर सही लगाइए। बच्चों ने मेज पर तरह तरह के देखे, क्या देखे थे, खिलौने नहीं, पेन नहीं, फल। यहाँ पे फल पर सही का निशान लगाइए। देश विकास में मदद करते हैं, संतुलित में, तो यहाँ पर क्या आएगा, संतुलित पे सही का निशान लगाइए। फल संतुलित विकास में मदद करते हैं। सब्जियों में बहुत से देश होते हैं, क्या होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं, विटामिन भी, तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों, तो दोनों पे सही का निशान लगाइए। समान अर्थ वाले शब्दों का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। इधर शब्द रोज, बहुत, स्कूल, किताब, ताकत, विद्यालय, पुस्तक, शक्ति, प्रतिदिन, ज़्यादा। रोज मतलब क्या होगा, प्रतिदिन। बहुत मतलब ज़्यादा। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, किताब मतलब पुस्तक, और ताकत मतलब शक्ति। तो ये हमारे समान अर्थ वाले शब्द हैं। अब वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द दिए विकास, चुस्ती, मिट्टी, टी, विटामिन और हरी। कक्षा में ढेर फल काय के रखे थे, मिट्टी के, तो यहाँ पर लिखेंगे मिट्टी, मी आधा टा और टा में बड़ी मदर टी, मिट्टी के थे। फलों में ढेर सारे होते हैं, क्या होते हैं, विटामिन, विटामिन, विटामिन। फल हमारे संतुलित में मदद करते, संतुलित विकास। सब्जियों में अनेक गुण होते हैं, कैसी सब्जियों में गुण होते हैं, हरी। लोह तत्वों से ताकत और आती है, क्या आती है, चुस्ती। अब ये किसने किससे कहा, किसने कहा और किससे कहा, आहा मीठ पीले पीले अंगूर कितने रसीले लग रहे हैं, किसने कहा था ये, सक्षम ने। किससे कहा था, प्रतिभा से, सक्षम ने प्रतिभा से। फल खाना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक, किसने कहा था ये, मैडम ने। बच्चों से, किससे कहा था, बच्चों से। अब मैं रोज फल खाया करूंगी, किसने कहा था, प्रतिभा ने। किससे कहा था, मैडम से।
तो आया समझ में किसने, हाँ पीले पीले अंगूर कितने रसीले हैं, सक्षम ने किससे कहा, प्रतिभा से। फल खाना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक, मैडम ने कहा बच्चों से। अब मैं रोज़ फल खाया करूँगी, किसने, प्रतिभा ने कहा मैडम से। अब इतना पढ़ाई कर लिया, इसको आप घर पे लर्न कीजिएगा, आगे की पढ़ाई अब हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।